तो गाइस आज हम रोस्ट करने वाले हैं जसवंत गेमर को, जिसके थंबनेल तुम्हें कुछ ऐसे दिखाई देंगे। एक तरफ नूब, एक तरफ प्रो। एक तरफ नूब क्या गलती करता है और एक तरफ प्रो वो गलती नहीं करता। और सेम इसके टाइटल भी होते हैं, आई बैट यू ओनली 0.5%, आई बैट यू ओनली 0.3%। मतलब इतना बैट जुआरी नहीं लगाते जितना बैट इसने अपने टाइटल में लगा रखी है। और अब इसकी क्लिप भी देख लो। तो भाई लोग, आज मैं आप लोगों को एक जादू दिखाने वाला हूँ। आप लोग देख सकते हो मुझे पेड़ की वजह से एनिमी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैंने जैसे ही फायर किया एनिमी के हेड पे गोली लगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस बंदे को मैंने एक हेडशॉट मारा और इसके स्क्वाड के तीन बंदे और थे उनको मैंने आराम से हेडशॉट मार दिया। अब ये जादू मैंने कैसे किया वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। भाई ये बताने की जरूरत नहीं है कि तू ये जादू कैसे दिखा रहा है, क्योंकि हमें पता है तू पीसी में खेलता है और भाई पीसी में कोई भी बंदा ऐसा जादू दिखा सकता है। तो भाई ये जादू हमें मत दिखा। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अगर कहीं आपको भी मेरी तरह ऐसे ही हेडशॉट मारने हैं तो आप लोग ये तीन कैरेक्टर स्किल यूज करके जरूर देखना, 90% आपका हेडशॉट इंप्रूव हो जाएगा। इसमें पहला कैरेक्टर डीबी और दूसरा कैरेक्टर वॉल्फ्रा और तीसरा कैरेक्टर है दशा। अगर आप लोग ये तीनों कैरेक्टर एक साथ यूज करते हो तो आपके भी मेरी तरह हेडशॉट लगेंगे। अब देखो इसने हेडशॉट की ट्रिक के नाम पे एक दो कैरेक्टर बता के जो तुम्हारा काटा है, इसकी हर वीडियो का चौचला है, क्योंकि फ्री फायर कम्युनिटी में आधे से ज्यादा पिकाचू ऑडियंस भरी है जो कि सिर्फ इसका गेम प्ले तो देखेगी नहीं। इसी कारण से वीडियो के शुरू में ही हक देता है कि हेडशॉट ट्रिक जाननी है तो एंटर देखो, फ्री डायमंड चाहिए तो एंटर देखो। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। अब क्या हुआ वो तो मैं आप लोगों को बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस बार बुया इवेंट में हमें जो ये वाला बंडल फीमेल का एकदम फ्री में मिलने वाला है, उसके साथ में एक सेल्फी स्टिक और एक ग्रेनेड और इसके साथ में एक कार की स्किन एकदम फ्री में मिलने वाली है। तो यार देखो मैं तो फ्री की चीजें बिल्कुल भी नहीं छोड़ता हूं, और आपसे भी यही बोलूंगा कि फ्री की चीजें बिल्कुल मत छोड़ना। तो गेम में लॉग इन करना, मिशन को कम्प्लीट करके फ्री के आइटम जरूर लेना। अब देखो तुम इसकी बातें सुनकर ये मत समझना कि ये तुम्हें फ्री आइटम दिखा के तुम्हारा भला करना चाहता है, क्योंकि ये फ्री फायर के हर बंडल हर गन स्किन को चार्ट चार्ट के बताया कि ये कितना बढ़िया आइटम है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे जसवंत भाई चार्टनर प्रोग्राम में जो है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और भाई यही नहीं, और बंदे भी जो चार्टनर प्रोग्राम में जाने के बाद फ्री फायर के हर आइटम को चाटते रहते हैं। लेकिन भाई मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि आज लपेटे में जसवंत भैया आए हैं तो आज इन्हीं को लपेटेंगे। ओके। और इस मैच में मेरे साथ जो हुआ वो देखने के बाद आप भी बोलोगे कि यार अच्छा है कि जसवंत भाई की तरह मेरी किस्मत नहीं है। अब यार देखो हम लोगों ने लगातार तीन राउंड जीत लिए थे, लेकिन अगले राउंड में मेरे सामने जाता यूट्यूबर, वो भी WWE लेके यार, और पता ही नहीं चलता इसने मुझे कब मार दी। पहले ग्रेनेड मार देता और मैं डाउन हो जाता हूँ, लेकिन मेरा टीममेट जल्दी से आकर मुझे रिवाइव कर देता है। लेकिन भाई किस्मत अगर खराब होना तो भाई आपका बचना नामुमकिन है। अब मुझे लग रहा था गेम हमारे यहाँ तो से गया, यूट्यूबर के सामने हमारी बेइज्जती हो गई, लेकिन मेरे टीममेट्स ने गेम जिता दिया। अब इसने पूरी वीडियो में यही भिंडी रोना किया है कि इसकी किस्मत बहुत खराब है। भाई इसके इतना हकने के बाद भी इसके टीममेट ने पूरा मैच जिता दिया, तो भाई इससे ज्यादा कितनी अच्छी किस्मत चाहिए। अब क्या तुझे प्रधानमंत्री बनवा दे इंडिया का? सही बात है। कमेंट करके पूछा जसवंत भाई एक ऐसे कैरेक्टर के बारे में बता जिसका यूज करने से हमें कोई हेडशॉट ही ना मार पाए। तो मैंने कुछ दिन गेम में बहुत ज्यादा रिसर्च करी और हर एक कैरेक्टर स्किल को यूज किया, और मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिल गया जिसका यूज करने से आपको एनिमी की गोली लगेगी ही नहीं, और जिस कैरेक्टर को यूज करने से आपको एक भी गोली नहीं लगेगी उस कैरेक्टर का नाम है मीशा। अगर आप इस कैरेक्टर का यूज करके किसी भी गाड़ी या फिर बाइक को चलाते हो तो आपको बिल्कुल भी डैमेज नहीं पड़ेगा। अब भाई तुम इससे इतना कठिन सवाल पूछोगे तो ऐसे ही जवाब देगा। चलो भाई मान लिया कि मीशा का यूज करके BR रैंक में तो हम बच जाएंगे, लेकिन CS का क्या होगा? CS में तेरा चार्टनर प्रोग्राम का मॉडरेटर गाड़ी लगाएगा? आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। और मेन बात जिसने भी तेरे से सवाल पूछा होगा उसने CS या कस्टम के लिए ही पूछा होगा, क्योंकि गैरियन ने जब से BR रैंक का सत्यानाश कर रखा है तब से भाई ज्यादातर लोग CS या कस्टम ही खेल रहे हैं। खैर छोड़ो भाई, हम ऐसे ही इन चार्टनर प्रोग्राम के चटुओं को लपेट रहेंगे। और हाँ, तुम भी सब्सक्राइब बटन को लपेट दो और वीडियो को लाइक भी कर देना। चलो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।